जय हिंद, राम राम सभी पेंशन धारक, पेंशन भोगी व रिटायर्ड फौजियों के लिए बड़ी खबर, ORP 3 का पैसा आ चुका है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, ORP 3 का भुगतान हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े बदलाव हुए, आपको जानना वो बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली एक रिवाइज टेबल जो है जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अब बहुत सारी जो सुविधाएं हैं भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगी ORP 3 के अंतर्गत। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ORP 3 का जो पेंशन कैलकुलेशन है उसके आधार बेस पर आपको जो पैसा आया वो सही आया नहीं आया वो पता कर सकते हैं। अगर आपको पैसा नहीं आया तो क्यों नहीं आया, कब आएगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलेगा। एक वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, बगल में एक छोटी घंटी है, इन दोनों को आज ही दबा लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ORP 3 की जो जानकारी है वो सबसे पहले मिलते रहे, वेलफेयर की जानकारी सबसे पहले मिलते रहे। चलिए हम न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पैसा है वो बहुत सारे भूतपूर्व सैनिकों को आया है, किन्हीं को यहाँ पर जो है मंथली पेंशन भी जो है उनका आ चुका है, और किन्हीं को जो है अपना ORP का जो एरियर है, यहाँ पर देख सकते हैं ORP का जो एरियर है वो यहाँ पर PCDA ने जो है भेज दिया है। तो यहाँ पर जो है ये तो अच्छी चीज़ है कि चलो पैसा तो मिलना शुरू हो गया इस बार जल्दी से ही, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो पैसा मिला है आप उसे बाकायदा खुद से कैलकुलेट करें, क्योंकि अनेकों बार ये देखा गया है कि जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उन्हें पता नहीं होता और उनका कैलकुलेशन गलत करके जो PCDA जो है वो कम पैसा भेज देता है, जिसके कारण बाद में जब उन्हें लेट पता चलता है तो फिर अलग से मगजमारी होती है, अलग से जो है पूरा एप्लीकेशन करना पड़ता है। तो उससे बेटर है कि आप अपना कैलकुलेशन जो एरियर वाइज है, जैसे BC का आपका जितना है उसके अनुसार कितना एरियर बना है, ये टेबल को देखें और उसके बाद जो है आप अपना कैलकुलेशन करके निकालें कि आपको सही मिला कि नहीं मिला। चाहे आप सर्विस वाले हो या फिर फैमिली पेंशनर हो, दोनों का एरियर मैंने यहाँ पर आपको निकाल करके दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। जय हिंद, जय भारत।